नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। आने वाले 29 अगस्त यानी कि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और इसके लिए रेल पटरी के किनारे के गांव क्रॉसिंग और ओवरब्रिज के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इसी को लेकर बाराबंकी के पुलिस ने भी मॉक ड्रिल भी किया और ऐसे में बता दें मॉक ड्रिल के दौरान रिहर्सल के तौर पर लखनऊ से वैसे ही ट्रेन चली और बाराबंकी से होकर गुजरी। इस दौरान पूरी पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात रही। इस मॉक ड्रिल के दौरान बाराबंकी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे और इस दौरान जो भी कमियां सामने आई उन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें मॉक ड्रिल के दौरान एसपी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही आरपीएफ और जीआरपी कर्मचारियों को सही तरीके से ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों और सीओ को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जैसा कि नोन है कि 29 को हमारा वीवीआईपी विजिट का प्रोग्राम है अयोध्या जाने का, उसी के सुरक्षा के दृष्टिगत आज एक मॉक ड्रिल की गई है। जैसा कि पता है कि महामहिम का ट्रेन से जाने का प्रोग्राम है, उसी के तहत एक आज मॉक ड्रिल के रूप में एक ट्रेन जो रेगुलर ट्रेन है हमारी वो चलवाई गई, वो चली है लखनऊ से और अयोध्या के लिए जो हमारा रूट निर्धारित है उसी रूट के तहत पूरा जो पुलिस फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट है उसको उसी तरीके से जिस तरीके से होना है उस दिन उसको आज कराया गया। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि के जो कमियां हैं आज वो देखी गई हैं, वो कमियां उन कमियों की पूर्ति आज की जाएगी। उसके बाद में किस तरीके से हमें ट्रैफिक का डाइवर्जन करना है पूरे सुरक्षा की दृष्टि के आज इस मॉक ड्रिल को कराया गया। इस तरह का मॉक ड्रिल रहा, मॉक ड्रिल अच्छा रहा, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां हैं आज से ये भी सबको ब्रीफ हो जाएगा जो हमारा डाउन द लाइन पूरा फोर्स है कि कहां किसकी ड्यूटी रहनी है। सबको आज ये चीज क्लियर हो जाएगी, जिनको नहीं क्लियर है आज उनको ब्रीफ करके दोबारा फिर उनको क्लियर किया जाएगा। जल जीवन मिशन में हुए हजारों करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मटका फोड़कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बता दें सीतापुर में बेलाबाद पार्क के पास कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर मटका फोड़कर विरोध दर्ज कराया और इस गंभीर भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, जिससे दोषियों को सजा मिल सके और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव तुषार श्रीवास्तव राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी उन्होंने दिया। और प्रदेश सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जल जीवन मिशन योजना की तरफ से हर घर में नल से जल पहुंचाया जाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1,20,000 करोड़ आवंटन किया था, लेकिन योगी सरकार ने इस योजना में फर्जी कंपनियों से सांठगांठ करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। बीते दिनों बता दें इस घोटाले का भंडाफोड़ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया था और आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल से इस मामले की सीबीआई जांच करने की भी मांग की है। तो बता दें सीतापुर का यह पूरा मामला है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह प्रदर्शन देखा गया। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी अलग अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर रही है और इसको देखते हुए सीतापुर में भी ये प्रदर्शन किया है। बता दें यूपी के कई जिलों में धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का पिछले काफी दिनों से चल रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन में एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया था और इसी को लेकर अब राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और राज्यपाल से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। आज हमारा कार्यक्रम इलाहाबाद फील्ड से हम लोग को निकलना था, लालबाग चौराहे तक हमको मार्च करना था, वहीं पे हमको मटका फोड़ आंदोलन करना था अपना, लेकिन जिस तरह से जहां पे हमको पुलिस के द्वारा रोका गया, जैसे कि आप देख रहे हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का पूरा पूरा हक होता है, लेकिन इस योगी सरकार में अगर आप किसी के सच की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो इनकी योगिया पुलिस के द्वारा आपको रोक दिया जाता है, आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे डीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, लेकिन हमारे जो भी हमारा जो कार्यक्रम था उसको प्रशासन के द्वारा पूरा नहीं करने दिया।
एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखा है तो वहीं कुछ तालिबानी सोच के लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर भी शरियत थोपने की से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के बरेली का है, जहां एक नाबालिग लड़के को तालिबानी सोच रखने वाले कुछ मौलवियों ने इसलिए इस्लाम से खारिज कर दिया क्योंकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए हिंदुओं के यहाँ काम करता था। वो सीधे सभी धर्मों पर विश्वास करता है, इसीलिए हिंदू भी उसके दोस्त हैं। लेकिन ये बात इन धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं है, इसीलिए उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है और सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया है। तो बता दें, ये पूरा मामला बरेली का है, जहां पर एक मुस्लिम बच्चा अपना जीवन यापन करने के लिए हिंदुओं के यहाँ काम करता था। जो मौलवियों को रास नहीं आया, उन्होंने सजा सुना दी और उसे इस्लाम से खारिज कर दिया। बता दें, एक अच्छी सोच का ये बच्चा था, सभी धर्मों को मानता था, तो ऐसे में हिंदू भी उसके दोस्त थे, लेकिन जो मौलवी थे उनको ये बात रास नहीं आए और इसीलिए इस बच्चे को इस्लाम से खारिज कर दिया है। मैं जो हूँ सारे मजहबों के संग बैठता हूँ, मेरा उठना बैठना सभी के संग है, पंडित भी हैं, शिया भी हैं, सभी हैं, सारे धर्मों के संग बैठता हूँ। मेरे मोहल्ले वालों को जो इमाम साहब हैं, जो और लोग हैं मतलब खुराफाती टाइप के, उनको अतराज़ है इस बात पे बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा उनको इस्लाम से मुझे खारिज कर दिया, मेरा घर में से निकलवा दिया, मुझे मेरा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं किसी भी बोल नहीं सकता किसी से, मैं किसी के लिए जाऊँ कोई भी मुझसे नहीं बोलेगा, चचेरे भैया सगे भैया कोई नहीं, बिल्कुल मेरा बाइकट कर दिया। और कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, बस 10-15 लोग हैं, वही खुराफाते फैलाए हुए बहुत ज्यादा मोहल्ले में, दार साबित हो रहे हैं इनके मदरसों में, इनकी मस्जिदों में। इस बच्चे ने खुद अपने मुंह से बताया है कि नमाज के बाद दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, लोगों को हजारों की भीड़ इकट्ठा करके वहां पे सिखाया जाता है कि आप दूसरे मजहब में किसी से टच नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं योगी सरकार से मांग करती हूँ कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, इन लोगों को देश से निकाल देना चाहिए, जो कमजोर लोगों के खिलाफ फतवे लगाते हैं। बरेली में एक नाबालिग का हुक्का पानी सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया जाता है कि वह दूसरे समुदाय के लोगों में बैठता है, उनके साथ रोजगार करता है और उनके धार्मिक स्थलों पर जाता है। वहीं कुछ धर्म के ठेकेदारों ने फतवा जारी कर उस नाबालिग को इस्लाम धर्म से खारिज कर दिया। और बात की जाए घर वालों की, तो घर वालों को इस संबंध में धमकियां दी जा रही हैं कि अगर अपने बेटे से संपर्क रखोगे तो तुम्हारी बेटियों की शादियां इस्लाम धर्म में नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि इन धर्म के ठेकेदारों पर कार्रवाई कब तक होती है। बरेली से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ बरेली से हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या ये पूरा मामला है, क्या सिर्फ इसलिए इस बच्चे को इस्लाम से इसलिए खारिज कर दिया गया कि ये काम करता था, या फिर कोई और वजह भी है? जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला थाना किला क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग का हुक्का पानी सिर्फ इसलिए बंद करा दिया जाता है कि वो दूसरे धर्म के लोगों में बैठता है, उनके साथ धार्मिक स्थानों पर जाता है और उनके साथ अपने रोजगार को करता है। देखा जाए किस तरह की सोच है, क्योंकि जब हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म को काफी लोग मानते भी हैं, तो फिर ऐसी सोच के लोग आज भी क्यों हैं, आज भी ये कहां से इस तरह के लोग आते हैं? ये आपको बताना चाहूंगा, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जिन्होंने सारा जिम्मा शायद अपने ही पास ले रखा है। उन धर्म के ठेकेदारों ने एक फतवा जारी किया, जिस फतवे के आधार पर इसको इस्लाम धर्म से खारिज कर दिया गया और इसके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप अपने बेटे से संबंध रखेंगे तो आपकी बेटियों की शादियां इस्लाम धर्म में नहीं होने दी जाएगी। पवन, तो ये अभी जो बच्चा है ये अभी कहां पर है, अपने घर पर ही है या फिर कहीं और है? ये अपने घर पर ही है, काफी डरा हुआ सा है, ये ठीक से किसी से बात नहीं कर पा रहा है, जो इसकी समस्या है उसे लेके ये किसी से मुलाकात अभी नहीं करना चाह रहा है। पवन, क्या परिवार का क्या कुछ कहना है इस मामले में? परिवार वालों से संपर्क करना चाहा तो अभी परिवार वालों ने इस मामले में कुछ कहने को मना कर दिया। हम बराबर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही उनसे बात करके इस बात का पूरा नतीजा हम उनसे आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। बिल्कुल पवन, और क्या इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है, क्या पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी है? जी, पुलिस की बात करें तो एक मुकदमा लिखवाया गया है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो अभी पूर्ण रूप से कार्रवाई ऐसी कोई नहीं की गई है।
धर्म के ठेकेदारों पर, जिससे इसका एक नतीजा सही सामने निकल कर आए। बिल्कुल पवन, और ये बच्चा जो हिंदू परिवार के साथ काम कर रहा था, ये कब से कर रहा था और किस चीज का काम ये करता था? ये एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति के पास नौकरी करा करता था, वो नौकरी करता था, उसी के साथ इसके कुछ हिंदू समुदाय के लोगों से संपर्क हुए, जिनके साथ ये उठना बैठना रखता था, उनके साथ उनके धार्मिक स्थानों पर भी चला जाता था, उनसे मेल जोल इसका काफी ज्यादा था, तो इसी के चलते इनको इस्लाम धर्म से खारिज कर दिया गया, एक फतवा जारी कर। जी चलिए पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर नाबालिग को तालिबानी सजा मिली है और नाबालिग का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल नाबालिग जो है, वो बच्चा जो है, वो अच्छी सोच का था, हर धर्म को वो मानता है, तो ऐसे में मौलवियों को ये बात रास नहीं आए और इसीलिए उसे इस्लाम से खारिज कर दिया, क्योंकि वो हिंदुओं के यहाँ काम करता था, उसके दोस्त हिंदू थे और कुछ और धर्म के लोग उसके दोस्त थे, इसीलिए मौलवियों ने उसे पूरी तरह से इस्लाम से खारिज कर दिया है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, चोर बेखौफ होकर चोरी की लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस भी चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रही है। ताजा मामला फतेहपुर का है जहां जहानाबाद के लालूगंज पक्का तालाब स्थित ठाकुर मंदिर में चोरों ने ठाकुर मंदिर से भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की अष्ट धातु चोरी कर ली है। वहीं जब लोगों को इसका पता चला तो इलाके में हड़कंप मच गया और वहीं मंदिर के पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस चोरों की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि चुराई गई मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो फतेहपुर का ये पूरा मामला है जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं, मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति चुरा ली गई और कीमत जो है मूर्ति की करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। भगवान के घर पर ये चोरी की है, ऐसे में अब पुलिस को पुजारी ने सूचना दी, मंदिर के पुजारी जो थे उन्होंने इस पूरी घटना की सूचना दी, जिसके बाद अब पुलिस भी पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगी हुई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर व्यापक तैयारियों की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यापक तैयारियां हो रही हैं और इसी कड़ी में एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न करें रहे और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की जा रही है। उनका कहना है कि इस पर्व को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए कोरोना के मापदंडों को ध्यान में रखकर तैयारियां हो रही हैं और उनका कहना है कि श्री कृष्ण की कृपा से कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, साथ ही तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो बता दें, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, सोमवार को देश भर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसे में मथुरा में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जन्मभूमि पर कृष्ण के जन्म स्थान पर सुरक्षा की व्यवस्था कर ली गई है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, ऐसे में पूरी तैयारियां जो हैं कर ली गई हैं। जन्माष्टमी को लेकर जगह जगह पर बाजार भी सजे हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा में, खासकर मथुरा में जन्मभूमि पर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता तैयारियां की गई है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी व्यापक तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जन्माष्टमी का पर्व 30 तारीख को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और कृष्ण जन्मभूमि पर सबसे बृहद स्वरूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार भी जो कार्यक्रम है उसको एक बड़े चैलेंज के साथ, एक अतिरिक्त चैलेंज के साथ, कोरोना के चैलेंज के साथ कैसे उसको किया जाना है, इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है सभी अधिकारियों के साथ में।
और मंदिर के जो सचिव हैं उनके साथ में। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। कानपुर देहात भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के साथ रामजी दुबे नाम के व्यक्ति ने झिझक रेलवे फाटक के पास किसी कार्यक्रम से वापस आते समय हाथापाई कर दी और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर व्यक्ति ने मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन ली। बता दें, जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने अपने साथ हुई घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जिलाध्यक्ष ने लिखित तहरीर थाना मंगलपुर पुलिस को भी दी। तहरीर मिलते ही पुलिस ने रात में ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। तो कानपुर देहात का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने दबंग को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दबंग युवक ने भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के साथ हाथापाई की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उनके साथ, जिसके बाद उन्होंने जिलाध्यक्ष ने शिकायत की। तब रात के समय ही पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए दबंग युवक को गिरफ्तार कर लिया और कई धाराओं में मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज कर दिया है। आप रात में थाने आए, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मैं बाहर से लौटा और झिझक फाटक पार कर रहे थे, तैसे एक दबंग लोग आकर चाबी छीन ली और गालियाँ देने लगे और हाथापाई करने लगे। कौन थे वो व्यक्ति? रामजी दुबे थे। क्या कारण आके आपके साथ घटना की? घटना का कारण ये भी हो सकता है कि उस खानपुर रोड पर पहले जिला कार्यालय भीम आर्मी का रहा, पहले जिला कार्यालय वहाँ पर रहा और पहले भी एक दो बार देखकर गालियाँ देते थे। आप थाने आए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस को जैसे ही मैंने सूचना दी, प्रशासन ने तुरंत पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लिया और यहाँ आकर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि जिन लोगों ने ये गंदी और ओछी हरकत की है, उनको जितना मारा जाए उतना कम है। अरे दुश्मन को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, वो तो राम भक्त थे। दरअसल आदरणीय बापूजी हम सब के प्रेरणा स्रोत थे। एक अच्छा इतिहास उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक अच्छा इतिहास रचा है। वो दूसरों के लिए, समाज के लिए जिए और उनका जीवन समर्पण भरा रहा है। ऐसे एक व्यक्ति के लिए वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, मान जैसे कि आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इन लोगों की सोच न बदली है, न बदलेगी, और इन्होंने ही इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। इन लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं और अमन का दुश्मन है। आतंकवादियों से इनके तार जुड़े हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि श्रद्धांजलि को लेकर जिस तरह से उन्होंने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, ऐसा उन्हें नहीं देना चाहिए। तो बता दें, बीजेपी की पूर्व मेयर ने ये निशाना उन सभी लोगों पर साधा है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था, कुछ बातें कही थी उनको लेकर। शकुंतला भारती ने ये बयान दिया है और कहा है कि ऐसे लोगों की मानसिकता बिल्कुल ख़राब है और ऐसे लोगों के तार जो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को देश में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। तो बता दें, अलीगढ़ का पूरा मामला है जहां पर पूर्व मेयर पहुंची थी और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है। दरअसल बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये इस तरह के बयान जो हैं वो सुनने को मिले थे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से, जिसके बाद ये बयान अब शकुंतला की तरफ से दिया गया है। बीजेपी की पूर्व मेयर हैं जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि ऐसे लोगों की मानसिकता ही ख़राब है और ऐसे लोग जो बाबूजी के जीवन पर बात कर रहे हैं, उन्हें देश में नहीं रहना चाहिए। बाबूजी ने तो अपना जीवन भारत के लिए नहीं, पूरी अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था सबके लिए, और ऐसे में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान पूरे विश्व भर में बनाई है। जिन लोगों ने ये हरकत की है, गंदी और ओछी हरकत की है, उनमें तो जितनी मार मारी जाए उतना थोड़ा है। अरे दुश्मन को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, वो तो राम भक्त थे आदरणीय बाबूजी।
हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। एक अच्छा इतिहास उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक अच्छा इतिहास उन्होंने छोड़ा है। जिए तो क्या जिए अपने लिए, वो अपने लिए कभी नहीं जिए, बल्कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पण रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, मन्नान जैसे आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इन लोगों की सोच ना बदली है और ना सोच बदलेगी, और बीसी को इस तरीके की जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और पर्चे चबाए हैं, इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर एनएसए के तहत इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र से है, जहां पर तांत्रिक को पकड़ने गई पुलिस टीम पर तांत्रिक ने हमला करते हुए एक पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं तांत्रिक मौके से फरार हो गया। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगला राई का है, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत पर आरिफ नाम के तांत्रिक को पकड़ने गई पुलिस टीम पर तांत्रिक ने हमला कर दिया। तांत्रिक के हमले में दीपेंद्र नाम का हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तांत्रिक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती भी करा दिया। वहीं पुलिस फरार आरोपी तांत्रिक की अब तलाश में जुट गई है। नाम नगला राई में एक तांत्रिक है, नाम उसका आरिफ है। लोगों से काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि वो लोग ठगी कर रहा है। इस संबंध में पुलिस वहाँ पर गई, उसने पुलिस को देखते ही पुलिस पर हमला कर दिया। एक पत्थर फेंक के पुलिस ने मारा, जिसमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार है, वो सर पर चोट आ गई। तो अभी कहा सर पुलिस की पकड़ में कि फरार है? अभी फरार है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई है, उसको पकड़ लेगी जल्दी। सहारनपुर के देवबंद में इंडस्ट्रियल एरिया में नियमों के खिलाफ भूमि आवंटन करने के मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल देवबंद के कई लघु उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने सहारनपुर कमिश्नर से मिलकर भूमि आवंटन को रद्द करके फिर से आवंटन प्रक्रिया करवाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले लघु उद्योग कारोबारियों का आरोप है कि जिला उद्योग केंद्र के कुछ अधिकारियों के ने नियमों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से देवबंद इंडस्ट्रियल एरिया की पुरानी जमीन को अपने खास लोगों को आवंटित कर दिया है। छोटे मोटे कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि ये भूमि उन्हें आवंटित की जाएगी, लेकिन उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा उन्होंने सहारनपुर के कमिश्नर से मुलाकात की और आवंटन रद्द करने की मांग की है। अमेठी में कोरोना की दस्तक से सभी हैरान हैं। अमेठी में इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी टीम के साथ संग्रामपुर सीएचसी पहुंचे हैं और यहां मॉक ड्रिल कर लोगों को व्यवस्था से अवगत कराया। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी डॉक्टर राम प्रसाद और संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर सौरभ सिंह ने नेतृत्व में L1 हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद डॉक्टर की तरफ से माइक्रोस्कोप से जांच करके आवश्यक दवाई देने का मॉक ड्रिल भी किया गया। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि तीसरी लहर आने से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर यह मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें संग्रामपुर के सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सहयोग करके इसे सफल बनाया है। मॉक ड्रिल में संग्रामपुर के चंडेरिया पीएचसी प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर यशवंत राव फार्मिस्ट और अमित सिंह भी मौजूद रहे थे। कोविड 19 की तीसरी लहर को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं जी। हमारी सीएससी संग्रामपुर जो है, इसमें 25 बेडेड हमने कोविड 19 के लिए रिजर्व कर रखा, बना रखा है। यहाँ व्यवस्थाएं ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, दवाइयां हैं, समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हमारी जो है पीडियाट्रिक यूनिट के लिए 12 बेड हैं, जिसमें 2 बेड एचडीयू हैं और 10 बेड जो है आइसोलेशन के हैं। ये मॉक ड्रिल हमने यहाँ पे आज इसलिए किया कि कोविड 19 में जो है, जो भी अगर पीडियाट्रिक तीसरी लहर आती है, जो कि जो है संभावित है, अगर आती है तीसरी लहर, तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के निर्देश अनुसार शक्ति मोबाइल की तरफ से थाना भिगना और थाना मलहीपुर क्षेत्र में स्कूल और गांव
सिसवा, रोलिया, कोकल और स्कूल वीरगंज पटना में मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के बारे में महिलाओं और बालिकाओं को जानकारी दी गई, जिसमें सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून और नियमों के संबंध में बताते हुए उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही साथ बता दें, सेल्फ डिफेंस और हेल्पलाइन नंबर विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चिकित्सकीय सहायता के लिए 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर किसी तरह की समस्या होती है या कहीं आने जाने पर कोई अनजान व्यक्ति परेशान करता है तो हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर सहायता मिल सकती है। फोन करने वाली महिलाओं और बच्चियों का नाम पता गोपनीय रखा जाता है, तो ये तमाम जानकारी बच्चियों और महिलाओं को दी गई। साथ ही साथ उन्हें कई सारे नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए और ऐसे में मिशन शक्ति अभियान के फेज 3 को लेकर महिलाओं को जागरूक भी किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में प्लाक लेता ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।